किसान भाई नमस्कार, मैं आपका दोस्त बद्र सिंह राजपूत एक बार फिर अपने कृषि विज चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। दर्शकों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि सोलर ऊर्जा का प्लांट लगा करके आप स्पेलर चक्की या धान की कुटाई की मशीन किस तरह लगा सकते हैं। तो इस तरह की चक्की स्पेलर लगा करके सोलर ऊर्जा से जो चलने वाली चक्की स्पेलर है, आप जीरो खर्चा कर सकते हैं और काफ़ी बचत कर सकते हैं। आपको जो भी पैसा लगाना वो एक बार लगेगा और इस पर कुछ सरकार भी सब्सिडी देती है। जो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कुछ सब्सिडी है, जो आप जिला उद्योग केंद्र में जा कर के फार्म भर के उसका आप लाभ ले सकते हैं। तो आइए बताते हैं कि कितना पावर निकालती है, कितनी प्लेटें लगी हुई हैं और कितने हॉर्स पावर की मशीन ये चलाती है, मोटर चलाती है, और किससे क्या क्या चल जाता। तो आइए, जिसने जिन भाई ने ये लगाई हुई है उनसे हम बात करते हैं। आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन घंटे को जरूर दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय समय पर पहुंचती रहे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सर जी, आपको ये सोलर से ऊर्जा के से चलाने के लिए ये स्पेलर का आपको आइडिया कब आया, किन दिनों में आपने ये लगाया और कितना? तीन साल लगाया। अच्छा, तीन साल। तो इसमें सर खर्चा वर्चा कितना आया टोटल? 5,77,000। अच्छा, 5,77,000 में आपका ये खर्चा आया। तो सर, आप जैसे सोलर से ये चला रहे हैं तो ये सुबह कितने बजे स्टार्ट हो जाता है और शाम को कितने बजे तक आपको ऊर्जा मिलती रहती है? 8:30 बजे तक स्टैंड पे जाता है और 5 बजे तक चलता है। अच्छा, 5 बजे चलता है। तो आप एक टाइम में एक ही चीज़ चला पाते हैं? नहीं, दो मोटर हो तो दो चीज़ चल जाएंगी। अच्छा, दो मोटर हो तो दो चीज़ें चल जाएंगी। तो ये मतलब कितनी पावर निकालती हैं आपकी प्लेटें? 15.5 हॉर्स पावर। अच्छा, 15.5 हॉर्स पावर की आपने प्लेट लगवा रखी है, तो 7.5 दो आप दो चला सकते हैं। अच्छा, अभी मैंने देखा कि बरसात हो रही थी लेकिन फिर भी ये पूरी तरह काम कर रहा था, तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है। केवल आपका इन्वेस्टमेंट, एक बार का इन्वेस्टमेंट है फिर आप चला रहे हैं। तो आप ये मतलब 3 साल से ये धंधे में हैं, तो उसके बाद आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ा? बढ़िया है, काम सही चलता है। अच्छा अच्छा, मतलब 5 लाख रुपये आपकी प्लेट प्लेट पे खर्चा आया या टोटल खर्चा आया? प्लेट प्लेट का। अच्छा, ये चीज़ें अलग हैं? ये चीज़ अलग है। लगभग मान लो 8 लाख रुपये, 8.5 लाख रुपये। अरे, 8.5 लाख रुपये। और एक दिन में आप कितने कुंटल आप ये सरसों निकाल देते हैं? 7 कुंटल। 7-8 कुंटल आपकी सरसों आराम से निकल जाती है। आप स्वयं काम करते हैं या फिर? स्वयं ही करते हैं। अच्छा अच्छा, तो मैं मोटर दिखाना चाहूँगा सर जी को। तो ये आपकी सर मोटर है और ये सर आपका ये यहाँ से पैनल है, ये कन्वर्टर है ना, इन्वर्टर है। तो ये 50 करीब है, ये आपका स्टार्टर है ना सर। तो ये अभी फुल लाइट दे रहा है? हाँ, फुल लाइट दे रहा है। तो स्पेलर के साथ साथ आप ये जो धान की मशीन चला देते? अच्छा अच्छा, हेलो टाइम में वो भी चला देते हैं। ये सोलर पैनल ऊपर लगे हुए हैं और ये तकरीबन 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 पैनल तो ये लगे हुए हैं। और बारिश बूंदाबांदी हो रही है, परंतु नीचे जो है वो स्पेलर चालू हालत में है, चल रहा है स्पेलर। तो आप ये देख सकते हैं, ये देखिए, दो चार छः आठ दस बारह चौदह इधर हैं, 24 उधर हैं और कुछ पैनल ये ऊपर लगे हुए हैं। तो साथियों, काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, एक बार आपको पैसा इन्वेस्ट करना है और काफ़ी सालों तक इसका ये आप चलता रहेगा। ये 20-25 साल तक की तो इसकी वारंटी ही आती है और इन प्लेटों को कुछ बिगड़ता नहीं है। ये फिक्स किए हुए हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये जो पैनल हैं सारे ये फिक्स हैं, फिक्स पैनल हैं ये। और सभी की लाइटें नीचे जा रही हैं, सभी डीसी निकालते हैं ये और डीसी से नीचे कन्वर्ट हो जाती है लाइट। तो आप इस तरीके से पैनल लगवा सकते हैं और अपनी इस चक्की स्पेलर या धान की मशीन जो भी चलाना है वो आप चला सकते हैं। इसमें कुछ मोनो ब्लॉक के भी लगे हुए हैं, ब्लैक वाले, तो वो आप देख सकते हैं, जो आपको अच्छा सही ऊर्जा दे वो आप लगवा सकते हैं। तो साथियों, आप ये देख सकते हैं कि अभी ये जो स्पेलर पे ये मोटर चल रही है 7.5 किलोवाट, 7.5 हॉर्स पावर की है और ये भी स्पीड काफ़ी अच्छी चल रही है, फुल स्पीड चल रही है। और बाहर आप देख सकते हैं, ये बारिश हो रही है, ये देखिए, ये बाहर बारिश हो रही है और हल्की फुल्की धूप निकली हुई है।
तो इससे भी इस पर कोई ज़्यादा प्रभाव पड़ नहीं रहा है, इसको जितनी ऊर्जा चाहिए उतनी मिल रही है इसको। साथ ही अगर आप गांव में रह कर के कोई व्यवसाय खोलना चाहते हैं और आप इन्वेस्टमेंट करीब आपका 7-8 लाख रुपए या उससे थोड़ा बहुत इधर उधर है, तो आप इसको सोलर ऊर्जा से चलने वाली स्पेलर और चक्की लगा सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको केवल एक बार इन्वेस्टमेंट करना है, लाइफ टाइम एक बार इन्वेस्टमेंट करना है, ना कोई डीजल का खर्चा आएगा, ना ही कोई बिजली का बिल आएगा। आप अकेले ही इसको चला सकते हैं, एक सेटअप तैयार कर सकते हैं। इन्होंने तो 15 किलोवाट का लगा रखा है, आप थोड़ा छोटा भी लगा सकते हैं क्योंकि ये दो कभी कभी दो मोटर चलाते हैं, तो आप 10 किलोवाट का या उससे 7.5 किलोवाट का भी लगा सकते हैं। तो उसमें आपका इन्वेस्टमेंट थोड़ा कम भी हो जाएगा अगर आप केवल स्पेलर चला रहे हैं तो। ये अमूमन स्पेलर इनका 7-8 क्विंटल पर डे आराम से पिराई कर देता है, जब ये 8:30 बजे या 9 बजे इसको खोलते हैं अपनी दुकान को, तो ये पूरे दिन में करीब 7-8 क्विंटल निकाल देते हैं। और ये 3 रुपये किलो सरसों की पिराई करते हैं, तो इस हिसाब से अगर ये 8 क्विंटल ही पेड़ लेते हैं तो 8×3=24, यानी 2400 रुपये का इनका मुनाफा होता है। उसमें से आप जो भी खर्चा पर्चा थोड़ा बहुत काट दें, तो अगर आप अमूमन मानते हैं कि किसी दिन कम पिराई आती है, तो आप 2000 रुपये पर डे आराम से कमा सकते हैं एक बार इन्वेस्टमेंट करके, एक बार पैसा लगा करके। इसमें फ़ायदा ये है कि सोलर प्लेट अब ऐसी आ रही हैं जो कि थोड़ी ही ऊर्जा में अच्छी मतलब इलेक्ट्रिसिटी निकालती है, अच्छी वोल्ट देती हैं, तो अब उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और सोलर ऊर्जा प्लेट, सोलर प्लेट लगवाने के लिए ज़्यादातर सरकारें, राज्य की सरकारें लोगों को सब्सिडी भी प्रदान कर रही हैं और बैंक से आपको लोन भी प्रोवाइड कराती हैं। तो आप जिला उद्योग केंद्र जाकर के इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपको किस तरीके से कितना लोन मिलेगा, कितने पावर पे लोन मिलेगा, कितने HP पर आपको लोन मिलेगा या कितनी सब्सिडी आपको मिलेगी। अमूमन 35% सब्सिडी रहती है, 35% से 40% तक सब्सिडी सरकार इस पर उपलब्ध करा दी है। उसमें कुछ अंशदान भारत सरकार का रहता है, कुछ अंशदान राज्य सरकारों का रहता है, तो हर राज्य सरकार की अलग अलग है। हाँ, उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर 35% से 40% सब्सिडी है, महिलाओं के लिए थोड़ी ज़्यादा मिलती है, और उसमें भी कुछ कैटेगरी वाइज बना रखी है इन्होंने। तो आपको अगर पूरी जानकारी चाहिए तो आप जिला उद्योग केंद्र जा करके इसके बारे में अपना प्रोजेक्ट उनको बताएं कि मुझे ये कार्य करना है, तो आपको सब्सिडी भी मिल जाएगी और वो लोग बैंक से भी आपको लोन प्रोवाइड करा देंगे। तो आप ये एक अच्छा बिजनेस खोल सकते हैं, इसमें सरकार की भी सरकार भी आपकी काफ़ी मदद कर रही है। तो किसान भाइयों, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, सोलर प्लेट से आप अपना एक छोटा मोटा धंधा खोल सकते हैं। और इसमें खास बात ये है कि इन्वेस्टमेंट आपको एक बार करना है, 20 साल की तो कई 25 साल की इसकी गारंटी आती है, तो 25 साल तक तो आपको इसको कोई ज़्यादा करना नहीं है। और ये मशीनों का भी मेंटेनेंस कोई खास नहीं है, अगर आप थोड़ा बहुत काम जानते हैं तो भी आप स्वयं भी कर सकते हैं। तो दर्शकों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन घंटे को जरूर दबाएं, और इसी तरह की वीडियो जानकारी हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। धन्यवाद।